क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल क्रिक उर्दू को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक उर्दू। दोस्तों मैं अपने चैनल क्रिक उर्दू में एक बार फिर से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आईपीएल फाइनल में जख्मी हालत में 80 रन बनाने वाले शेन वाटसन, उनके घुटने पर कितने ठांके लगे थे जानकर आपको भी यकीन ना आए। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेले जाने वाले आईपीएल सीजन 12 के फाइनल में मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वाटसन ने जख्मी हालत में रन का अंबार लगाकर क्रिकेट मदाहों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान सुपर लीग में क्वाटा ग्लेडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वाटसन इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ फाइनल मैच में शेन वाटसन के घुटने में चोट लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में ना तो साथी खिलाड़ियों को बताया और ना ही टीम ऑफिशियल्स को इसकी खबर होने दी। शेन वाटसन ने पूरी इनिंग्स जख्मी हालत में खेली। उनकी चोट इतनी ज़्यादा थी कि बाएं पैर के घुटने से मुसलसल खून बह रहा था, जो ट्राउज से ऊपर नज़र भी आ रहा था। दोस्तों उन्होंने फाइनल मैच में अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हुए 59 गेंदों पर 8 छक्कों और 4 छक्कों की मदद से 80 रन बनाए, लेकिन आखिरी ओवर के चौथे गेंद पर डबल रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। शेन वाटसन के आउट होने के बाद उनकी टीम अगरचे 1 रन से फाइनल मैच हार गई, लेकिन शेन वाटसन ने क्रिकेट मदाहों के दिल जीत लिए। भारतीय मीडिया का कहना है कि मैच के बाद शेन वाटसन को तबी इमदादी दी गई थी तो इंकशाफ हुआ कि जख्म कितना गहरा था। उनको डॉक्टर्स ने घंटे पर घुटने पर 6 टांके लगाए हैं।